राजस्थान के ऐतिहासिक शहर उदयपुर में शुक्रवार को दो बच्चों के बीच झड़प के बाद शहर में तनाव का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए झड़प वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इस मामले में चाकूबाजी की घटना में शामिल अयान शेख और उसके पिता सलीम शेख के दीवान शाह अली कॉलोनी स्थित मकान पर नगर निगम के दस्ते पहुँच गए हैं और मकान को ध्वस्त करने के लिए निगम प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। घटना सामने आने के बाद शहर में जमकर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने आगजनी तोड़फोड़ की। पुलिस ने चाकू मारने वाले नाबालिग स्टूडेंट और उसके पिता को पकड़ लिया। वहीं घायल नाबालिग MB हॉस्पिटल में भर्ती है। स्टूडेंट वेंटिलेटर पर है। बता दें, उदयपुर में रविवार सुबह घायल स्टूडेंट से मिलने को लेकर परिवार और प्रशासन के बीच तनातनी हो रही है। अब बच्चे के परिवार व पड़ोस के करीब 25 महिलाओं ने जबरन MB हॉस्पिटल में के इमरजेंसी वार्ड में घुसने की कोशिश की है, जहां घायल स्टूडेंट का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार वार्ड में नहीं जाने देने से नाराज लोग अंदर ही नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले सुबह करीब 10 बजे बच्चे की मां ने प्रशासन पर आरोप लगाए थे कि उन्हें बच्चे से नहीं मिलने दे रहे। इसके बाद मां के साथ बड़ी संख्या में लोग शहर के मुखर्जी नगर से रैली निकालते हुए हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां पुलिस अधीक्षक की समझाइश के बाद लोग शांत हो गए थे। SP ने कहा था कि यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, परिवार बच्चे की स्थिति जान सकता है और मिल भी सकता है। बच्चे का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। अपन सभी से, जो हमारे सभी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो बच्चे का इलाज कर रहे हैं और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट संभव है वो ट्रीटमेंट बच्चे को दिया जा रहा है। और हम सब यही दुआ करें कि बच्चा जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्वस्थ हो। यहाँ पे कुछ भीड़ जमा है, मैं उनसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि अपने अपने घरों को जाएं। इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने से ना तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ना बच्चे के इलाज में किसी प्रकार की और अच्छा इलाज होगा। तो निवेदन है कि शांति बना के रखें और उसके परिवार के डर हैं उनको हम समय समय पर मिला भी रहे हैं। बच्चा जो है अभी स्थिर है, स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम जरूर आई है, डॉक्टर उसको देख रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि किसी प्रकार की अफवाह मत फैलाएं। नहीं, वो नाराजगी नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने इनको मिसगाइड कर दिया है। सही सूचना इनको बताई नहीं जा रही है, हम इनको सही सूचना बता रहे हैं और इनको परिवार वालों से भी मिला रहे हैं।